बजट से दे गया। हिंदुस्तान की छाती पर पांव रखकर डैम बना रहा, गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का ऑफिशियली हिस्सा बना दिया, अफगानिस्तान और अमेरिका की 20 साल से चल रही जंग खत्म करवा दी, परदेशियों के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट्स खोलने की सहूलत दे दी, नादरा के बाहर लगी लंबी लाइनें खत्म कर दी, किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के तर्ज के दफातर बना दिए, जहां औरतों मर्दों के लिए अलहदा इंतजार गाहें, एयर कंडीशन की सहूलत, नए दरख्त लगाना तो दूर, यहां हजारों दरख्तों के रोजाना काटने की खबरें चलती थी, वहां आज करोड़ नहीं अरब नहीं खरब दरख्त लगा रहे हैं, जिससे दुनिया पाकिस्तान को शाबाश दे रही है। और जो पाकिस्तान 3 साल पहले तक सिफारती महाज पर अकेला हो चुका था, उसी पाकिस्तान की एक आवाज पर 56 ममालिक के सरबराहान OIC का इजलास अटेंड करने पाकिस्तान आ गए। आज तक की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इन 3 सालों में हुई, आज तक की सबसे ज्यादा रेमिटेंस इन 3 सालों में आई, आज तक की सबसे ज्यादा तेज इंडस्ट्री इन 3 सालों में शुरू हुई। अब मुझे बताओ कि मैं इमरान खान को किस चीज के लिए ब्लेम करूं? अमीर गरीब को एक निसाब देने के लिए, परदेशियों को वोट डालने का हक देने के लिए, किसान को फसल का पूरा मुआवजा देने के लिए, अरबों से अपने परदेशियों से बराबरी का सलूक करने की दरख्वास्तें करने के लिए, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने के लिए, मोदी को साड़ियां और आम भेजने की बजाय रिटेलिएशन की धमकी देने के लिए, अक्वामे मुत्तहिदा में ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर हम लड़ेंगे का नारा लगाने पर, गरीब अमीर का एक जैसा इलाज करवाने पर, जखीरा अंदाजों के खिलाफ तहरीक चलाने पर, एक्सपोर्ट बढ़ाने और इम्पोर्ट को रोकने पर, पुलिस को अवाम दोस्त बनाने पर, सहाफियों को झूठ बोलने पर सजा देने पर, किस चीज पर मैं ब्लेम करूं उसे? भाइयों, कोरोना के बावजूद इस शख्स ने अल्लाह की मदद से 70 साल पाकिस्तान की तारीख के मुकाबले में वो काम किए हैं कि अल्लाह की कसम, मुझे अब इस पर कोई शक नहीं कि इस शख्स के साथ अल्लाह की तरफ से खास रहमत है, वरना 56 ममालिक में वाहिद एटमी ताकत सरहदों पर दुश्मनों से घिरा हुआ मुल्क पाकिस्तान इसराइल और अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट बोलकर जाता कहां? अगर किसी को मेरे बताए गए एक भी लफ्ज पर शक हो तो अपने सोर्सेज से चेक करना, एक एक लफ्ज सच निकलेगा, एक एक बात हकीकत निकलेगी। और आज पहली बार मैं पाकिस्तान के साथ साथ इमरान खान को भी जिंदाबाद कहता हूं।